हेलो फ्रेंड्स, चटोरा सरदारजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट फूड वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह हो रही है। देखो, आज हम थोड़ा ब्रेकफास्ट के मूड में हैं, ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। आज कहाँ जाएं शानू, बताओ ब्रेकफास्ट के लिए? ज्ञान दी हट्टी। ज्ञान दी हट्टी, ये तो हमारी फेवरेट दुकान है। हमारे हर संडे का ब्रेकफास्ट की दुकान है ये। आज हम वहाँ पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ का छोले भटूरे, जो यहाँ टैगोर गार्डन में सबसे मशहूर छोले भटूरे कह सकते हो आप। यहाँ के छोले की मतलब अलग ही बात है। हर मतलब क्या कहते हैं, हर जगह के अपने एक छोले भटूरे फेमस होते हैं। जो ये ज्ञान की हट्टी के छोले भटूरे यहाँ टैगोर गार्डन पर बहुत मशहूर हैं और आज हम आपको दिखाएँगे। और इसके साथ आज आपको एक थोड़ा सरप्राइज़ भी मिलेगा। इसमें थोड़ा सरप्राइज़ टेंट ये है कि आज जो छोले भटूरे का रिव्यू देंगे, जो हमारे कैमरामैन ईशांत हैं वो रिव्यू देंगे, क्योंकि उस छोले भटूरे में सबसे अच्छा यही उसका टेस्ट जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये मेरा सेकंड व्लॉग है और चटोरा सरदारजी मेरा पेज है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो, हम आ गए हैं ज्ञान की हट्टी स्पेशल छोले भटूरे। ये 52 साल पुरानी दुकान है। यहाँ मैं जब से मैं पैदा हुआ तब से यहाँ से छोले भटूरे खाया हूँ। जब मैंने छोले भटूरे का नाम सुना था तो मैंने पहला छोले भटूरा इन्हीं का खाया था। और यहाँ पर क्या कहते हैं, और भी चीज़ें मिलती हैं ज्ञान की हट्टी में, वैसे नान वगैरह जब स्टार्टिंग इन्होंने यहाँ से क्या कहते हैं छोले भटूरों से ही करी थी। और यहाँ पर क्या कहते हैं, वैसे ब्रेड पकौड़ा छोले चावल छोले सब मिलता है। ये इनके क्या कहते हैं छोले भटूरे बनाने के, ये इनकी पिट्ठी है, पनीर पिट्ठी डालते हैं इसके अंदर। देखो, गर्मा गर्म ये ब्रेड पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर 52 साल, जैसे ये बता रहे हैं यहाँ के ओनर, 52 साल पुरानी दुकान है। मैं खुद अपने बाई बर्थ से यहाँ से छोले भटूरे खा रहा हूँ। अभी हम आपको यहाँ का छोले भटूरे की पूरी प्लेट का टेस्ट भी दिखाएंगे। हाँ, ये इनका पूरा नान का सेक्शन है, तंदूर है, ये इनके कहते हैं पूरी ये पीटी वीटी भरते हैं। भैया, ये क्या है? आलू गोभी पनीर। ये यहाँ के ऑनर हैं। आप सर बताइए, यहाँ पर कितने साल हो गए आपको ये कुकिंग छोले भटूरे बनाते हुए? 10+ ही हो गए, 52 साल हो गए। 52 साल, हाँ। मैं हमारी दूसरी पीढ़ी है ना, मदर देश से। हाँ जी, इसके बाद हमारी पीढ़ी है। 52 साल हो गए। 52 साल, मैं खुद यहाँ पर बचपन से आपसे खा रहा हूँ। जब मैंने छोले भटूरे का नाम सुना था तो पहला छोले भटूरे आपका ही खाया था, भटूरे आपका ही टेस्ट करा था। अच्छा। और ये इनके पूरे पिंडी वाले छोले हैं। छोले यहाँ के बहुत बेस्ट हैं। यहाँ के देखो, बिल्कुल रिचनेस है इस छोलों में। ये इसमें आलू का भी वो देते हैं, साथ में चावल हैं, ये इनका अचार है, यहाँ पर भटूरे हैं, ब्रेड पकौड़े हैं, ये ब्रेड पकौड़े हैं। ब्रेड पकौड़े छोलों के साथ भी मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। हाँ, ये इनके बड़े भाई साहब हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है, वैसे छोले भटूरे की दुकानों पर बैठने की जगह नहीं होती, यहाँ पर इनका सीटिंग एरिया भी है। ये सारा पूरा सीटिंग एरिया है इनका, देखिए। ये अंदर भी है, बहुत बड़ा सीटिंग एरिया है। वैसे छोले भटूरे में आपको सीटिंग एरिया नहीं मिलेगा, जितने भी मशहूर फेमस हैं छोले भटूरे वाले हैं वहाँ पर सीटिंग एरिया कम ही होता है, पर इन्होंने पूरा स्पेस दिया हुआ है छोले भटूरे के लिए। देखिए, ये थोड़ा इनका मेन्यू है।
छोले भटूरे यहाँ पर 40 रुपए के हैं, स्पेशल छोले भटूरे इनके 50 रुपए, सिंधी पनीर चूर चूर नान भी है, गोभी नान, पनीर नान, मिक्स नान, ब्रेड पकौड़ा, प्लेट लस्सी, छोले भटूरे स्पेशल, सिंगल आलू नान, चावल, दाल चावल, पनीर चावल, ये यहाँ का पूरा मेन्यू है यहाँ पर। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर भटूरे की प्रिपरेशन जो ये करते हैं, वहाँ से ये पीठी भरते हैं भटूरे के अंदर और ये कढ़ाई में डलते हैं। ये देखिए कितने फूले फूले भटूरे बन रहे हैं यहाँ पर। ये इनका एक स्पेशलिटी है आमले का अचार, ये भटूरे के साथ ये आमले का अचार भी सर्व करते हैं, जिसका टेस्ट कैसा टेस्ट होता है सर? ऐसे है जो बुजुर्ग कह गए हैं आमला खाए, आमला खाने के बाद ही स्वाद लगता है, उसका मीठा पूरा दिन मीठापन रहता मुंह में। हाँ जी ठीक है। और ये इनका आमला है और ये छोले चावल, ये देखिए आप भटूरे कितने फूले फूले यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम एक प्लेट बनवा रहे हैं इनसे, हरी चटनी डली, आलू डला, ये मिर्ची का अचार डाला, ये इन्होंने प्याज डाल दिया है, ये हमारे भटूरे हो गए। ये देखिए ये हमारे भटूरे की प्लेट आ गई है, ये कैसे धुआं निकल रहा है इसमें। ये हम अपनी प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं। आज हमारे साथ ईशांत आए हुए हैं पर कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है। आज ईशांत जी अपने रिव्यू देंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि यहाँ के बहुत स्पेशलिस्ट बंदे हैं छोले भटूरे के मामले में। जी हाँ ईशांत जी बताइए, टेस्ट करिए भाई। टेस्ट तो हमारी तरह से वही का वही है। मैंने चालू किया था तकरीबन 7 रुपये 500 प्लेट थी इसकी, और आज कितनी भाई इसकी प्लेट? 40 रुपये की प्लेट है। मैंने खुद 15 रुपये की स्टार्ट करी थी। हाँ ये आपको टेस्ट करके दे रहे हैं ईशान। आपको यहाँ के छोले कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया। मेरे हफ्ते में 1 किलो मैंने खाने खाने हैं। हाँ जी हाँ जी। एक हफ्ते का मैंने मतलब कि सैटरडे हो गया, संडे हो गया, दोनों में से एक दिन मेरा कि नाश्ता करना करना है। वैसे यहाँ पर चूर चूर नान भी बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे ईशान जी बता रहे हैं। और क्या कहते हैं, चूर चूर नान, मिक्स नान, स्टफ नान, ये सारा कुछ मिलता है। ये देखिए आप छोले भटूरे, पूरी पिट्ठी भरी हुई है और सारे स्टफ में लगा सब भटूरे में, स्टफिंग पूरी है इसमें। मैं आपको इसमें खोल के दिखाऊंगा तो पूरी अंदर पनीर की स्टफिंग है। छोले देखिए आप, छोले आपको दिखाऊंगा तो पूरी इसमें छोले कितने रिच हैं यहाँ पर, एकदम गाढ़े गाढ़े, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लोग जो खा रहे हैं वो कैसा इसका टेस्ट समझते हैं छोले भटूरे का। सर आपका नाम? मेरा नाम सरबजीत सिंह। इनका नाम सरबजीत सिंह है और आप कितने साल से यहाँ पर खा रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। मैं तो वैसे यहाँ से बचपन से खा रहा हूँ। आपको यहाँ के छोले और भटूरे कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। अच्छा और कुछ मतलब एक स्पेशलिटी बताएंगे आप छोलों में, इनमें क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। ये देखिए छोले भटूरे हैं आपके सामने, ठीक है। वैसे तो इशारत है आपको इसका रिव्यू बता ही दिया, मैं तो वैसे ही इस छोले भटूरे का कायल हूँ, ठीक है। और छोले वैसे ही यहाँ के बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर पूरे टैगोर गार्डन में इससे अच्छे छोले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको पता ही है चटोरा सरदारजी पहला ब्लॉग आ ही चुका है, ये सेकंड ब्लॉग है,
आज हमने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट के लिए आपको दिखाएं कि यहाँ का टैगोर गार्डन में ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा कहाँ मिलता है। छोले भटूरे दिल्ली का मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट है, आपको भी पता ही है, पर आप चटोरा सरदारजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना छोड़ें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अच्छा, ओके, बाय।